हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज मैं बहुत दिनों के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि हमारे इक्विपमेंट में कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स आ गए थे जिसकी वजह से मैं शूट नहीं कर पा रहा था वीडियो। तो अभी जाके ये जो है पूरे सॉल्व हुए हैं, तो मैं ये वीडियो आपके लिए ला रहा हूँ, नया वीडियो। आज हम वीडियो में कॉर्ड्स के बारे में कुछ बताऊँगा आपको, जो मेजर माइनर कॉर्ड्स है उसका एडवांस बताऊँगा, मेजर माइनर कहीं, जिससे हम और अच्छे से हमारे जो गाने को प्ले कर सके और अच्छा साउंड वहाँ से अचीव कर सके। ओके, तो ये वीडियो आप अच्छे से देखते रहना। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको कीबोर्ड पे लेके चलता हूँ, वहाँ पे समझाता हूँ कि हम किस तरीके से जो है मेजर और माइनर कॉर्ड्स को और अच्छे तरीके से प्ले कर सकते हैं। तो मैं वीडियो चालू करने से पहले आपको बता देता हूँ कि जो हमारे ये प्रोडक्ट्स है, ये बुक है और हमारे ऑनलाइन कोर्सेज भी है वेबसाइट पर, जिसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है। अगर आपको लेना चाहते हैं तो अभी कल 13 तारीख है, 13 मार्च से लेके 16 मार्च तक जो है हमारे प्रोडक्ट पे ऑफर चल रहा है डिस्काउंट, क्योंकि नवरात्रि आने वाली है। तो नवरात्रि के उपलक्ष्य में मैंने ये जो प्रोडक्ट है वो आप लोगों के लिए डिस्काउंट में रखा है। तो ये जो बुक है वो 299 से 249 हो जाएगी, और जो 1299 रुपीस वाली जो कोर्स है वो हो जाएगी 999, और 3000 रुपी वाली कोर्स है वो हो जाएगी 1999 रुपीस। ठीक है, तो उसके जो डिटेल्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। बहुत अच्छा बुक है, इससे अच्छा बुक आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। बहुत ही ज़्यादा सेल हो चुकी है ये बुक, हमारी जो हिंदी पे लिखी हुई है म्यूज़िक थ्योरी की बुक है, ये आप ज़रूर परचेस कर लीजिए। अभी 4 दिनों में आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और सीखते हैं कॉर्ड्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, हम अपने कीबोर्ड पर आ चुके हैं और अभी हम देखेंगे मेजर और माइनर कॉर्ड्स का जो है एडवांस वर्जन। तो मेजर और माइनर कॉर्ड्स क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था वीडियो में कि मेजर और माइनर कॉर्ड्स निकालने के स्केल का फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ नोट यूज़ किया जाता है। तो जैसे सी मेजर स्केल है, सपोज सी मेजर का क्या हो जाएगा, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ, ये सी ईजी होगा, सी मेजर कॉर्ड होंगे, है ना। अगर ये आपने नहीं पढ़ा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाके वो बेसिक से पढ़ लीजिए, और अगर मालूम है वो सब चीज़ तो ये वीडियो को आप आगे कंटिन्यू करिए। ठीक है, मेजर स्केल का क्या हो जाएगा, सी ई जी। माइनर स्केल का क्या हो जाएगा, माइनर स्केल का फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ। तो माइनर स्केल का फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ तो कौन सा है, फर्स्ट सी, थर्ड जो है डी शार्प, और फिफ्थ जो है जी, है ना। ये सी माइनर और ये सी मेजर, ठीक है ना। तो देखिए, अब इसमें जो है मॉडिफिकेशन क्या करेंगे, हम ऐड क्या करेंगे, सी ई जी मतलब फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ के बाद हम फिर से आगे वाला रूट नोट को हम फिर से प्रेस करेंगे, सी ई जी एंड सी। तो हम क्या करते थे, 3 फिंगर से जो हम कॉर्ड्स को प्ले करते थे मेजर कॉर्ड को, अब जो है 4 फिंगर से प्ले करेंगे इस तरीके से, सी ई जी एंड वापस से सी। कौन कौन से फिंगर यूज करना है, सभी कॉर्ड्स के लिए, चाहे वो मेजर हो या माइनर हो, सभी कॉर्ड्स के लिए सेम फिंगर पोजीशन होंगे, सेम फिंगर्स यूज होंगे, लिटिल फिंगर, मिडिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर एंड लास्ट में जो रूट नोट है आगे वाले ऑक्टो का वो हो जाएगा थंब में। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए, सी मेजर को ऐसे किए, सी शार्प मेजर का क्या हो जाएगा, सी शार्प, एफ, जी शार्प एंड वापस से सी शार्प। ठीक है, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ एंड फर्स्ट। डी का डी, F शार्प, A एंड वापस से D। अब ये हम लोग प्ले क्यों कर रहे हैं, देखिए आपने अगर अभी नए गाने सुने होंगे, या जो बॉलीवुड के गाने सुनते हैं वो ना बहुत लेयर्स, मतलब लेयर्स में प्ले होते हैं, उसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट प्ले होते रहते हैं, सभी इंस्ट्रूमेंट का कॉर्ड्स प्ले होते हैं, और सिंपल सिंपल कॉर्ड्स बहुत कम यूज होते हैं, उसमें थोड़ा भरा भरा लगने के लिए ना उसमें बहुत सारे यहाँ पे नोट्स यूज किए जाते हैं लेफ्ट हैंड में भी। अब यहाँ पे आप अंतर देखिए, मैं डी मेजर को नॉर्मल प्ले कर रहा हूँ, ठीक है, और ये नॉर्मल प्ले करने से डी मेजर ऐसा साउंड आ रहा है, देखिए ना, ध्यान से सुनिए, और इसमें एक नोट और ऐड कर देंगे वापस से आगे वाला डी, तो कैसा साउंड आएगा, देखिए, ये नॉर्मल डी, ये अभी जो हम लोग प्ले किए वो एक नोट और ऐड करने के बाद, है ना, थोड़ा सा और ऐड हो जाता है नोट, सुनने में अच्छा लगता है, आगे वाले ऑक्टो का भी ना मतलब जो है साउंड यहाँ पे ऐड हो जाता है। अब ये हम लोग प्रैक्टिस कैसे करेंगे, इसके लिए ना आपको सीखना होगा पावर कॉर्ड।
पावर कॉर्ड अच्छे से सीखे। पावर कॉर्ड के बाद ये वाला जो है आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये पावर कॉर्ड्स के जैसे ही, मतलब पावर कॉर्ड्स में एक फिंगर और हमको ऐड करना पड़ता है, फिर ये बच जाता है। तो पावर कॉर्ड का आपको अगर प्रैक्टिस होगा तो ये आपको ईजी पड़ेगा, है ना। मेजर कॉर्ड के बाद आएंगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, प्रैक्टिस ज़्यादा लगेगी, सीख तो जाएंगे, प्रैक्टिस ज़्यादा लगेगी। तो मैंने आपको बताया था आपको क्या करना है। सबसे पहले कॉर्ड्स अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो मेजर माइनर को स्ट्रॉन्ग कीजिए, उसकी शिफ्टिंग को स्ट्रॉन्ग कीजिए मेजर माइनर की। उसके बाद आप आइए पावर कॉर्ड में, क्योंकि मेजर माइनर से ही मिलके आगे के जितना कॉर्ड्स बनते हैं वो बनते हैं, मैंने आपको बताया था, है ना। तो मेजर माइनर कॉर्ड्स, फिर पावर कॉर्ड, उसके बाद ये वाला आप प्ले कीजिए जो मैंने आपको आज बताया, ठीक है। ये मेजर के लिए होगा, माइनर के लिए सेम। देखिए अब माइनर प्ले करते हैं ना, तो पावर कॉर्ड प्ले करते हैं, तो उसमें हम पावर कॉर्ड क्या होता है, फर्स्ट एंड फिफ्थ नोट होता है, तो उसमें मेजर माइनर को कोई रोल ही नहीं होता, सेम नोट हमको प्ले करना होता है। अगर ये प्ले करना है तो आपको सी माइनर प्ले करना है, तो सी माइनर के ये पावर कॉर्ड है, सी माइनर में डी शार्प हम लोग ऐड कर देंगे ना, तो ये माइनर वाला भी साउंड बन जाता है। मतलब आप यहाँ पे मेजर माइनर भी आप साथ में प्ले कर रहे हैं, पावर कॉर्ड भी साथ में प्ले कर रहे हैं। देखिए सी माइनर, डी शार्प ऐड करने के बाद देखिए माइनर वाला जो साउंड है ना नोट का, वो अलग से यहाँ पे सुनाई देगा। नॉर्मल सी माइनर, देखिए है ना, थोड़ा सा फर्क पड़ता है। थोड़ा सा मैं इसमें एक सॉन्ग सुना के दिखाता हूँ आपको, छोटा सा कबीर सिंह का जो सॉन्ग है, देखिए ए मेजर से कर लेंगे, कॉर्ड्स हम लगाएंगे ए मेजर, डी मेजर, ई मेजर, सी शार्प माइनर, एफ शार्प माइनर, इतने कॉर्ड्स के साथ। थोड़ा सा प्ले करके दिखाता हूँ आपको, देखिए देखिए सेम ऐड हो रहा है ना वो। ठीक है ना, तो आप ये वाला कॉर्ड प्रैक्टिस कीजिए अच्छा है सीखने के लिए। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है ना, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर कमेंट कर सकते हैं, और चैनल को सपोर्ट कीजिए ऐसे ही अच्छे एडवांस के वीडियो के लिए। और इस ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।